इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुख्तार साहब, जो कि महकमा मौसमियात के सरबराह है। मुख्तार साहब, कुछ एक इलाकों से इत्तला मिले है कि कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मुख्तार साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रहेगा मौसम से मुतालिक जानकारी आने वाले दिनों के लिए। अभी पेशेंट कोई पहले से था, खासकर 16 तारीख को एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, तो कुल मिला के अभी मौसम आरोप बना हुआ है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों पे शुरू हुआ है, तो कोई सिग्निफिकेंट एक्युमुलेशन नहीं होगा। ऑल्दो लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है कुछ एक पहाड़ी इलाकों में, और कल से जो है वेदर में बेहतरी आएगी और लगभग 24 दिसंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस है। फिर 24-25 के बीच में फिर से एक फीवर WD है, जिसके कारण लाइट स्नोफॉल और बाकी जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे मौसम अबर आलूद बने रहने के चांसेस हैं। तो कुल मिला के कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल 26 दिसंबर तक नहीं है। जिस तरीके से मुख्तार साहब इस वक्त मौसम बना हुआ है, उबर आलूद क्या आने वाले दिनों के लिए ऐसा ही, यानी कि कल ऐसा ही मौसम होगा? कल से मौसम में बेहतरी आएगी और सुबह शाम ठंड जो है फिर से बढ़ने के चांसेस हैं, खासकर 18 दिसंबर से। तो बालाई इलाकों में क्या हो सकती है हल्की बर्फबारी आज शाम को? जी, आज कुछ एक जगहों पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, ऑलरेडी पहले से एक्सपेक्टेड था, और कल से जो है मौसम में बेहतरी आने के इम्कान।